महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के शांति पर्व में माता अर्थात स्त्री की महत्ता का वर्णन कुछ इस तरह किया है। नास्ति मात्र समाचाया, नास्ति मात्र समागतिः, नास्ति मात्र समम त्राणम, नास्ति मात्र समाप्रिय। अर्थात माता के तुल्य कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के सहर्ष कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय नहीं है। भारतीय इतिहास का मुगल आक्रांताओं का कालखंड और ब्रिटिश समय को छोड़ दिया जाए तो भारतीय समाज में स्त्री को सदैव आदर्श स्वरूप में देखा गया है। समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने प्रत्येक कालखंड में प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, चाहे वह समाज निर्माण का क्षेत्र हो या युद्ध में शस्त्र उठाने का। ऐसी ही एक नारी शक्ति का प्रतीक थी रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई वर्ष 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ के चौड़ी गांव में हुआ था। 28 वर्षों दिसंबर 1767 से अगस्त 1795 तक मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित महेश्वर नामक प्राचीन नगर को होलकर राजवंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। पति खांडेराव होलकर और ससुर मल्हार राव होलकर के निधन के बाद उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से मालवा की न केवल रक्षा की बल्कि युद्धों में स्वयं सेना का नेतृत्व भी किया। रानी अहिल्याबाई के शासन काल में राजधानी महेश्वर साहित्य, संगीत, कला और उद्योग का केंद्र थी। अहिल्याबाई के राज्य में कपड़ा उद्योग ने बहुत उन्नति की थी। अहिल्याबाई होलकर ने काशी, गया, सोमनाथ सहित दक्षिण से पूर्व तक संपूर्ण भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण कराने के साथ साथ इस्लामी आक्रांताओं द्वारा खंडित किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, ब्राह्मणों को आश्रय देकर सनातन संस्कृति का संवर्धन किया। भारतीय इतिहास में रानी अहिल्याबाई जैसी अनेक नारियां हुई जिन्होंने अपने कालखंड में राष्ट्र निर्माण की ज्वाला को जलाए रखा। ऋग्वेद में विदर्भ की राजकुमारी लोपमुद्रा, याज्ञवल्क्य के ऋषि की पत्नी मैत्रेयी और गार्गी, वहीं राजा शिवचित्ता परमांडी की बेटी नायकी देवी रानी कर्णावती, चित्तौड़ की रानी माता पद्मावती, शिव गंगई की रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, बहु ताराबाई भोसले, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चेनम्मा जैसी अनगिनत नायिकाओं का उल्लेख इतिहास में मिलता है। हमारी संस्कृति में देवता के नाम से पहले भी देवी का नाम आता है, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, उमा शंकर, जानकी वल्लभ, लक्ष्मी नारायण आदि। यह सुनिश्चित करता है कि सनातन संस्कृति में नारी का स्थान पुरुष से प्रथम रहा है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में भी देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। 1000 वर्ष के पराधीनता काल में शोषण और अत्याचार के चलते स्त्रियों का सामाजिक स्तर नीचे अवश्य गिरा, किंतु पराधीनता के अंधेरे युग में भी भारत की नारी ने अपने गौरव की रक्षा करते हुए पारिवारिक सनातनी व्यवस्था, राष्ट्रीय उत्थान और मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष को मद्दम नहीं पड़ने दिया। ब्रिटिश काल के दस्तावेज में भी ऐसी नारियों का उल्लेख स्थान स्थान पर मिलता है, किंतु दुर्भाग्य यह रहा कि विदेशी इतिहासकारों और देश के अंग्रेज परस्त इतिहासकारों ने उनकी भूमिका के साथ न्याय नहीं किया, उन्हें वह स्थान नहीं दिया जिसकी वे अधिकारी थीं। उन्होंने भारत में नारियों की स्थिति को लेकर सदैव एक पक्षीय दृष्टिकोण रखा। यूरोपीय मानसिकता वाले लेखकों और बुद्धिजीवियों ने भारतीय समाज में
स्त्री की दीनहीन दशा को पोषित करने वाली मानसिकता का समर्थन करते हुए विश्व जगत के सामने भारत की स्त्रियों के प्रति हीन भावना का दुष्प्रचार किया। आखिर ये गलत तथ्य किसने गढ़ दिया कि भारत में नारी का शोषण होता है? भारत में नारी की दशा दयनीय है, ये षड्यंत्र किसने रचा? जबकि सच्चाई यह है कि भारत में प्राचीन काल से स्त्री मात्र शक्ति के रूप में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था का केंद्र रही है और उसका भारतीय समाज में सदैव सम्मानजनक स्थान रहा है। इसका उल्लेख हमारे अनेक ग्रंथों में मिलता है। तथा कथित आधुनिक नारी स्वतंत्रता की बात करने वाले ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि यह वही सनातन संस्कृति है जहां 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रेम विवाह से लेकर स्वयंवर तक की व्यवस्था रही है। यहां नारियां गृहिणी, रानी, प्रशासिका, शिक्षिका, गुरु और सन्यासी तक रही हैं। नारी स्वतंत्रता की बात करने वाले जो तथा कथित बुद्धिजीवी नारी समानता की बात करते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में नारी का स्थान पूजनीय रहा है। वह परिवार और समाज के केंद्र में है। मनुस्मृति में हजारों वर्ष पहले उद्घोष किया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाह क्रियाः। अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां नारियों की पूजा नहीं होती है वहां समस्त क्रियाओं के फल निष्फल हो जाते हैं।